मैं नमन, ट्रेजर टेक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास इंडस्ट्री का काफी यूनिक डिवाइस है जिसके अंदर आपको डिस्प्ले प्लस बारकोड स्कैनिंग इंजन मिलता है और प्लस इसमें रिसीट प्रिंटर और बारकोड प्रिंटर भी इनबिल्ट है। और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जो उसमें स्कैनिंग इंजन लगा हुआ है वो काफी डेडिकेटेड है, और जो हमारी पिछली कई सारी वीडियोस थी जो HST के ऊपर, जैसे कि यूरोवो डिवाइस हो गया, यूरोवो के जेब्रा के डिवाइसेस हो गए, तो उसमें जो फीचर्स होते हैं स्कैनिंग के 1D और 2D बारकोड और QR कोड के, सेम वही फीचर्स आपको इस डिवाइस के अंदर मिलेगा। और सुनमी का V2S ये काफी अपडेटेड मॉडल है मेरे पास, और आइए मैं इसको अभी टेस्टिंग करके देखूंगा क्या इसका बिल्ड क्वालिटी है, क्या कैसे इसमें प्रिंट आता है और कैसे ये वर्क करता है। तो आइए मैं आपको सारा कुछ स्ट्रेट टेस्टिंग करके दिखाता हूं। डिवाइस के लुक के ऊपर बात कर लेते हैं। काफ़ी प्रीमियम लुक दिया हुआ है डिवाइस का, और इसके पहले तो मैं इसके फीचर्स के ऊपर बात करता हूँ। तो दोस्तों डिवाइस की बात करते हैं, डिवाइस काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है, कोई डाउट नहीं है। और इसका चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके हाइलाइट्स के ऊपर। और जो इसके सबसे पहले हाइलाइट्स है मैं आपको बताना चाहूँगा जो काफ़ी यूनिक फीचर्स के साथ है, कि इसमें आपका ये 58mm का थर्मल प्रिंटर दिया गया है, जिसमें रिसीट प्रिंटर के साथ साथ आप इसमें सेल्फ एडेसिव बारकोड लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको 5.5 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है, और इसके साइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये स्कैनिंग बटन है, जो आप उसको ट्रिगर करके आप बारकोड या QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं। ये आपका पावर बटन, एंड ये आपका वॉल्यूम के बटन दिए गए हैं, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन का। और इस साइड में आपका ये चार्जिंग के लिए USB-C टाइप दिया गया है, आप इससे चार्ज कर सकते हैं डिवाइस को। और उससे बड़ी बात दोस्तों, जो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब यूनिक है, इसमें जो ये बारकोड स्कैनर आप देख रहे हैं, ये बारकोड स्कैनर एंड प्लस ये कैमरा, तो काफ़ी डेडिकेटेड स्कैन इंजन है, तो इससे आप बारकोड या QR कोड स्कैन कर सकते हैं, और कैमरे से भी आप कर सकते हैं, बट स्कैनर आपको दिया गया है तो प्रेफर रहेगा कि स्कैनर के साथ ही किया जाए, ठीक है। और इस 3500 mAh की इसके अंदर बैटरी दी गई है, और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी और वेट के ऊपर भी काफ़ी वर्क किया गया है इसके ऊपर, तो मैं कहूँगा दोस्तों तो काफ़ी लुकिंग वाइज भी बहुत बढ़िया डिवाइस है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर के फीचर्स की। तो सबसे बड़ा कि इसमें आपका 2 SIM स्लॉट है, और प्लस इसमें आप SD कार्ड भी लगा सकते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज वगैरह के लिए। और इसकी बैटरी जो सबसे बढ़िया यूनिक लुक में हमारे पास आई हुई है, वो आपका 3500 mAh की बैटरी है ये, और जो कि कुछ इस टाइप से ये बैटरी लगेगी इसमें, ये डो। तो ये आपका डिवाइस का इंटरफेस है, और कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर हमको प्ले स्टोर भी दिया गया है, तो आपका अगर कोई एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और अपने नीड के अकॉर्डिंग में कोई भी आपका वेयरहाउस का एप्लीकेशन है, या सप्लाई चेन का, या स्टॉक इन्वेंट्री का कोई एप्लीकेशन है, तो वो भी आप इस डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मेरे पास व्यापार, माई बिल बुक और क्यूब बस्टर सॉफ्टवेयर है, जो कि एक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है, और ये आपका एंड्रॉयड बेस्ड के सॉफ्टवेयर हैं,
लेकिन इससे हटकर जो इसका अभी इस डिवाइस का पर्टिकुलर यूनिक फीचर है वो बारकोड स्कैनर का है, तो वो अभी हम डिवाइस के अंदर टेस्ट करेंगे। ये मेरे पास गूगल शीट्स है, ये मैंने गूगल शीट ओपन कर लिया है और ये बारकोड स्कैनर है जिसका अभी हम लोग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। अभी ये मैंने गूगल शीट ओपन किए हैं, इसके अंदर मैंने एक शीट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर हमें स्कैन करके डेटा लेना है, एक ये कॉलम, और इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अभी, तो ये कर लिया और ये मेरे पास एक बारकोड है तो इसको मैं स्कैन करता हूँ। और इसके अभी देखिएगा जब लेज़र आएगा तो उसमें रेड है जो आपका स्कैनिंग दिखाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।